हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं सम ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड ओपन वर्ल्ड गेम्स कवर करूंगा। और वैसे तो मैं इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, बट आई केम अक्रॉस सम मोर एक्साइटिंग गेम्स टू टॉक अबाउट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Assassin's Creed Unity, a game जिसे इस फ्रेंचाइज के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हेट मिला हो, which I think is totally unfair। इसके रिलीज पर यूनिटी बहुत ही बगी गेम था। इट हैड मेनी टेक्निकल इश्यूज विच थैंकफुली वाज सॉल्व्ड इन इट्स लेटर अपडेट्स। यूबीसॉफ्ट्स रिक्रिएशन ऑफ 18th सेंचुरी पेरिस इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। हर असैसिन क्रीड गेम के तरह ये भी एक गॉर्जियस लुकिंग वर्ल्ड देता है, फिल्ड विद साइट्स टू सी एंड थिंग्स टू डू। आप एक असैसिन नेम्ड आर्नो डोरियन बन के खेलेंगे, हु लॉस्ट हिज फादर एज अ चाइल्ड, और अब वो उनके मर्डर का रिवेंज चाहता है। अब ये गेम टूली शाइन करता है इसके गेम प्ले में। फॉर स्टार्टर, इसका पार्कोर सबसे स्मूथ फील करता है, और भले ही इसका वर्ल्ड ओडिसी या ओरिजिन्स जितना ह्यूज नहीं है, लेकिन बीइंग अ स्मॉल एंड डेंस सिटी जहां बिल्डिंग एक दूसरे से इतने क्लोज हैं, मेक्स इट मोर फन एंड एंटरटेनिंग टू पार्कोर। ऑल्सो इसके फ्री रनिंग में कई से ग्रेट मूव्स हैं, जैसे क्लाइंबिंग अ वॉल जस्ट टू इजेक्ट योरसेल्फ बैकवर्ड्स, या साइड हॉप करना, और ऐसे ही कई ट्रिक्स जो इसके फ्री रोम को एक मिनट भी बोरिंग नहीं होने देता। गेम का स्टेल्थ भी बहुत अच्छा है, विच गिव्स यू सम ग्रेट असैसिनेशन एनिमेशन जो बहुत ही फास्ट एंड स्मूथ है। एक और चीज जो इस गेम की बढ़िया है इज द गैजेट्स एंड वेपन्स। आप स्मोक बॉम्ब से लेके स्टन ग्रेनेड, हिडन ब्लेड या एनी काइंड ऑफ फायरआर्म कैरी कर सकते हैं, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेपन्स आपको एक ट्रू असैसिन वाली फीलिंग देता है। Far Cry New Dawn, एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक फर्स्ट पर्सन शूटर जो Far Cry 5 का स्टैंड अलोन सीक्वल है, विच यूजेस मेनी ऑफ इट्स प्री एग्जिस्टिंग गेम प्ले इंक्लूडिंग इट्स लार्ज ओपन वर्ल्ड। Far Cry 5 के 17 साल बाद के इवेंट शो करते हुए New Dawn focuses on people rebuilding this community after the disastrous events that happened in Far Cry 5। और पुरानी गेम्स के तरह इसके कैंपेन में भी साइको विलन्स प्रेजेंट है, विच आर दीज ट्विन्स कॉल्ड मिकी एंड लू, जो वास और पेगन मिन जितने इंटरेस्टिंग तो नहीं है, बट डू हैव सम बैडास मोनोलॉग्स ऑफ देयर ओन। ये तो बात रही स्टोरी की, और अगर आप लोग ने कोई भी Far Cry गेम खेला हो तो आप लोग को पता ही होगा दैट दीज टाइटल्स ट्रूली शाइन इन देयर ओपन वर्ल्ड एस्पेक्ट। From capturing outpost to recruiting human survivor या taking help from an animal in combat, ये सब इसके open world को बहुत ही entertaining बनाता है। Game कुछ RPG elements भी introduce करता है, जैसे having an upgradable home base और हमारा limited resources पर rely करना to craft supplies। गन्स की बात करें तो आपको फेमिलियर वेपन्स लाइक शॉटगन, असॉल्ट राइफल तो मिलेंगे ही, और साथ ही साथ न्यू डॉन इंट्रोड्यूसेस सम एक्साइटिंग वेपन्स जैसे दिस सॉ लॉन्चर। Saints Row Get Out of Hell, Saints Row 4 का ये स्पिन ऑफ जो नियरली आइडेंटिकल गेम मैकेनिक शेयर करता है, ऑल्सो हैज अ ओवर द टॉप स्टोरी जहां द बॉस ऑफ द सेंट्स इज सक्ड इनटू हेल एंड उसे रेस्क्यू करने हमारे दो प्लेबल कैरेक्टर्स जंप्स थ्रू द पोर्टल इनटू हेल। इसके कैंपेन में बहुत से कम ट्रेडिशनल मिशंस प्रेजेंट है, एंड इंस्टेड हैव दिस ऑब्जेक्टिव्स जहां आपको टोटल केओस एंड डिस्ट्रक्शन कॉज करना है टू गेट अटेंशन फ्रॉम सेटन, जो इस कैंपेन का बिग फाइनल बॉस है। मेरा फेवरेट गेम मैकेनिक इज द एंजल विंग्स, जो आपको पूरा मैप इजीली एंड स्मूथली एक्सप्लोर करने देगा, और गेम के फ्यू ग्रेट मिशंस भी इस एस्पेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। फ्लाइंग के अलावा आप लोग व्हीकल्स भी ड्राइव कर सकते हैं, जो ऑब्वियसली उतना एंटरटेनिंग नहीं है, ओनली फॉर सर्टन मिशंस आप रोड पे रहना पसंद करेंगे। अदर देन दैट, फ्लाइंग थ्रू हेल एंड डॉजिंग मिसाइल्स इज द राइट वे टू गो। गेम आपको फ्लाइंग के साथ साथ कई ग्रेट एबिलिटीज एंड वेपन्स भी देता है, जो आपको लार्ज नंबर ऑफ एनिमीज को फेस करने में हेल्प करता है। गेट आउट ऑफ हेल आपको कोई कंपेलिंग स्टोरी या ग्रेट कैरेक्टर्स नहीं देता, बट अगर आप लोग एक माइंडलेस एक्शन गेम खेलना चाहते हैं जहां यू आर बेसिकली इनडिस्ट्रक्टेबल, तो ये गेम आपको डेफिनेटली एंटरटेन रखेगा अपने शॉर्ट कैंपेन से। अगला गेम आता है रेज 2, अ गेम वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर ऑफ इन इंडिया। डूम रिबूट के बाद कोई एक्शन गेम मुझे इतना एनर्जेटिक लगा हो तो वो ये टाइटल है। प्रेमाइस बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, गिविंग यू अ पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड जहां डेंजरस म्यूटेंट्स एंड क्रेजी गून्स रोम अराउंड करते हैं। रेज 2 आपको स्टार्ट से ही पावरफुल वेपन्स या एबिलिटीज नहीं देता, इंस्टेड यू विल हैव टू अर्न ऑल ऑफ दीज बाय कॉन्करिंग सर्टन एरियाज जहां यू विल डिस्कवर सम ऑफ द ग्रेट वेपन्स दिस गेम हैज टू ऑफर। इन वेपन्स के अलावा द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस गेम इज द कॉम्बैट, फ्रॉम शैटरिंग योर एनिमी इनटू एयर और परफॉर्मिंग अ ग्राउंड पंच।
रेज 2 डेफिनेटली डूम के अपक्लोज शूटिंग एस्पेक्ट से इंस्पायर्ड है, जहां आपको एनिमीज के बीच घुसकर अपने आप को डेंजर में डाल के जल्द से जल्द एनिमीज को नॉकआउट करना होगा टू कलेक्ट मनी एंड एसेंशियल हेल्थ पिकअप्स। And this also unlocks a major ability called Overdrive, जहाँ आप एक brief period of time के लिए extra powerful बन जाते हैं, which regain backs your health as well. अब आखिर ये game है तो open world ही, तो उसके साथ आपको कहीं से vehicles भी मिलेंगे to free roam. And these also feature some vehicular combat, जहाँ you'll be crashing या shooting down other vehicles. 2017 का ये टाइटल पूरी तरह ओपन वर्ल्ड कैटेगरी में तो नहीं आता, बट डज हैव अ ओपन वर्ल्ड सेटिंग आफ्टर यू हैव गेन्ड एक्सेस टू इट्स मेनी एरियाज। प्री एक माइंड बेंडिंग साइकोलॉजिकल सेटिंग देता है, सेट इन द ईयर 2035 एंड इट टेक्स प्लेस एंटायरली इन स्पेस, जहां आप ये ह्यूज स्पेस स्टेशन एक्सप्लोर करेंगे। गेम इज फिल्ड विद माइन्यूट डिटेल्स जो आपके एक्सप्लोरिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाएगा। यू विल आल्सो कम अक्रॉस एलियंस जो किसी रैंडम ऑब्जेक्ट में डिस्गाइज्ड रहेंगे, गिविंग यू सम प्रीटी गुड जंप स्केयर्स। प्रे क्लासिक फर्स्ट पर्सन आरपीजी गेम्स जैसे डियोस एक्स से बहुत एलिमेंट्स उठाता है एंड पुट्स इट टू गुड यूज। कई एरियाज आप एट फर्स्ट अनलॉक नहीं कर पाएंगे, बट एज यू गेन न्यू एबिलिटीज इन एरियाज को वापस रिविजिट करना बहुत काम आएगा, एज द एंटायर लेवल्स आर फिल्ड विद स्टफ जो कहीं ना कहीं आपके गेम में जरूर काम आएंगे। इसका कॉम्बैट इज प्रिटी एवरेज, जहां यू विल बी फाइटिंग एलियंस एंड रोबोट्स। आपको शूटिंग या स्टेल्थ में भी कुछ ज्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी, बट आई डिड हैड अ लॉट ऑफ फन विद द यूनिक वेपन्स दिस गेम प्रोवाइड्स। Overall, Prey एक ग्रेट स्टोरी लाइन देता है with some interesting side quests and a detailed world which is a joy to explore. So that was the video guys. अगर आप लोग को मेरे गेम recommendations पसंद आए हो तो वीडियो का लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। Also let me know in the comments whether I should cover some popular open world games as well. And as always, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। See you next time. Just get to the portal. I'll do what I can to stop it from closing. See you on the other side.